वैसे ही हम बाद में उस विषय के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। इन अंतिम दिनों में हालेलुया कैसे भक्तिहीन लोग हालेलुया हमारे बीच में हमारे सोसाइटी में होते हैं हालेलुया, और हालेलुया हमें पहचानना जरूरी है हालेलुया, ताकि हालेलुया हमारा विश्वास क्या बोलते हैं कि नीचे न गिरना पाए, मगर हमारा विश्वास दृढ़ होकर परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। मगर उससे पहले हालेलुया परमेश्वर का वचन हालेलुया हमारे जीवन में क्रिया करता है करके जैसे अंकल ने बताया हालेलुया हमने साक्षी भी सुना है। पहले हम सुनेंगे यूहन्ना का किताब द बुक ऑफ जॉन उसका 15 अध्याय द बुक ऑफ जॉन उसका 15 अध्याय उसका 3-7 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना का 15 अध्याय द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 उसका 3-7 तक खाली पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे उसके बाद मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा। Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Already you have been clean by the word. Hallelujah. Okay. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. हालेलुया। फिर से हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। किस वचन? हालेलुया परमेश्वर का वचन। हालेलुया यीशु मसीह ने कहा वो वचन के द्वारा। हालेलुया 14 वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें। इट इज बोथ साइड। हालेलुया मैं तुम में मतलब यीशु मसीह और यीशु मसीह हम में बने रहने के लिए। जैसे एग्जांपल दिया जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया मतलब हम यीशु मसीह में बने रहना और तो हम फलेंगे और फूलेंगे। आगे लिखा है मैं दाखलता हूं तुम डालियों हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फलता फूलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अंडरलाइन दिस तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। तो मतलब यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। राइट नेपाली में क्या लिखा है आखिर का वचन तिमीहरुमा रह्यो भने र मेरा कुरा तिमीहरुमा रहे भने तिमीहरुलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरुका निम्ति गरिनेछ। हा हालेलुया ओ परमेश्वर हम में और मैं परमेश्वर का वचन में बने रहेंगे तो हालेलुया हम जो भी कुछ मांगेंगे जो भी कुछ मतलब क्योंकि हम परमेश्वर में हैं हम परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही हम मांगेंगे और वो दिया जाएगा। हालेलुया 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 क्या लिखा है डालिया जो हालेलुया सूख जाती है तो कहां फेंक दिया जाएगा? आग में फेंक दिया जाएगा। हम अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते हैं हालेलुया हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए परमेश्वर के वचन की सहायता चाहिए उसके द्वारा ही हालेलुया हम फलेंगे और फूलेंगे।
आज दुनिया में सब कुछ उलट पुलट हो गया है, राइट? कभी नहीं सोचा था कि महामारियां आएंगी और इतने लंबे समय तक चलेंगे। कभी नहीं सोचा था कि यूरोप में ऐसा बारिश आएगा और हालेलुया, देखेंगे तो वीडियो देखेंगे तो हालेलुया, इतना सारा फ्लड, इतना सारा पानी, हालेलुया, लोगों की गवाही को सुनेंगे तो उन्होंने कहा कभी भी हमारे जीवन में, बूढ़े लोग कहते कि हमारे जीवन में इतना सारा पानी नहीं देखा था। उनका घर बह गया, सब कुछ बह गया। जर्मनी, बेल्जियम, सऊदी अरब में मैं आज तक 21 साल हुआ मगर गर्मी के समय में कभी भी बारिश नहीं देखा, मगर आज हम देख रहे हैं। चाइना में अभी 2-3 दिन से इतना सारा फ्लडिंग हो चुका है, इतना सारा डैम बना है, वो डैम पानी को काबू में नहीं, डैम तोड़ना पड़ रहा है या टूट जाता है। परमेश्वर का आने का समय बहुत नजदीक है। हालेलुया। क्या आज आपका जीवन में आप देख रहे हैं कि मैं क्राइस्ट में, हालेलुया, यीशु मसीह में बना हूं, हालेलुया, मेरा जीवन यीशु मसीह का फाउंडेशन में, हालेलुया, बड़ा है, हालेलुया, मैं परमेश्वर का वचन को ग्रहण करके चल रहा हूं, हालेलुया, या मैं दूर भाग रहा हूं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। हम देखेंगे यहूदा का किताब नया नियम में, यहूदा, हालेलुया, एक ही चैप्टर है उसमें, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना के बाद यहूदा का किताब, हालेलुया, द बुक ऑफ जूड, प्रकाशित वाक्य से पहले, हालेलुया, द बुक ऑफ जूड, हालेलुया, बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी, हालेलुया, वचन मतलब जो पुराने नियम के अनुसार, मगर आज हमें किस रीति से भक्तिहीन लोग, हालेलुया, कैसे हालेलुया है करके, हालेलुया। ओके, इंग्लिश में पढ़ेंगे फर्स्ट, द बुक ऑफ जूड, वर्सेस फ्रॉम वन चैप्टर, जूड, अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ब्रदर ऑफ जेम्स, टू दोस हु आर कॉल्ड सैंक्टिफाइड बाय गॉड द फादर एंड प्रिजर्व्ड इन जीसस क्राइस्ट, mercy, peace, and love be multiplied to you. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. For certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men, who turn the grace of our God into lewdness and deny the only Lord God, our Lord Jesus Christ. But I want to remind you, though you once knew this, that the Lord, having saved the people out of the land of the Egypt, afterward destroyed those who did not believe. Okay, हम बारी बारी में हम पढ़कर हम देखेंगे कौन कौन कहता है यीशु मसीह का दास, हालेलुया, और याकूब का भाई। लगभग हालेलुया इसका जो लेखन काल है 75 to 85 ईस्वी पूर्व, मतलब लगभग हालेलुया 2000 साल हो चुका है, हालेलुया, मगर फिर भी हालेलुया परमेश्वर का ये वचन हमसे बातें करता है, हालेलुया। क्या लिखा है, हे, तीसरा वचन से मैं पढ़ता हूं, हे प्रियो, जब मैं उस उद्धार के विषय में तुम्हें लिखने का हर संभव प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सहभागी है, तो मैंने यह लिखना और अनुरोध करना आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए यत्न पूर्वक संघर्ष करते रहो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सदा के लिए सौंपा गया था। उसका लिखने का विषय क्या था, क्या था? हम लोग जो सहभागी हुए थे उसकी, पहले उसका लिखने का विषय क्या था, क्या लिखना चाहता था? हालेलुया। पहले उसका मन, हालेलुया, उसने जो बनाया था वो क्या था, कि मैं उद्धार के बारे में लिखूं, उद्धार के बारे में जो उन लोग ने अनुभव किया है, हालेलुया, वो सब लिखूं। मगर जब लिखने गया तो पवित्र आत्मा ने कौन सा टॉपिक दिया, विश्वास, हालेलुया,
जो हालेलुया इन लोग ने पाया है हालेलुया, उस विश्वास को यत्न पूर्वक हालेलुया पकड़े रहे ताकि हालेलुया विश्वास से गिले टूटे। आज अंतिम समय के हालेलुया हमारा विश्वास भी हालेलुया डुलने न पाए मगर हालेलुया और भी मजबूत हो रहे। आमीन। मगर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या क्या हो रहा था हालेलुया और क्या बातें वो बताना चाहता। चौथा वचन से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से आ घुसे हैं जो बहुत पहले से अपराध के दोषी ठहराए जा चुके हैं। कौन घुस गए हैं? हालेलुया। कहां की बात कर रहा है? कलीसिया के अंदर, अपने लोगों के बीच में। वो दूसरे की बात नहीं कर रहा है और जाके दो सोसाइटी जो न मानने वाला, कहां कलीसिया की बात कर। ऐसे लोग हैं हालेलुया जो पहले से अपराधी का दोषी ठहर, उनका कार्य क्या है? जो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डाले और हमारे अद्भुत स्वामी और प्रभु अर्थात प्रभु मसीह को अस्वीकार करे। हालेलुया। मतलब नेपाली में क्या लिखा है वर्ष को? जिना की देर आई अग्नि देखी ने दंड का भागीदार ठहरिए का कोई कोई मानिस और गुप्त रूप ले तिमी और का मास मा पसी सकेका छन्। इनी और ईश्वर हीन मानिस और हुन जसले हाम्रा परमेश्वर को अनुग्रह लाई विलासिता मा परिणत गरेका छन्। हाम्रा एक मात्र स्वामी र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्छन्। मतलब क्या है? प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, the grace of the Lord Jesus Christ, he is using for his own selfish desires, sexual, in English में लिखा है कि sexual immorality, अपने रुचपन का स्वभाव के लिए हालेलुया परमेश्वर का उस अनुग्रह को वो ले। हमारे सामने हालेलुया सब कुछ वो बोलेगा सब कुछ सही है मगर personally he is rejecting the Lord Jesus Christ for his own selfish desire. Right? अपने स्वभाव के लुचपन के लिए हालेलुया वो प्रभु यीशु मसीह का स्वामित्व को हालेलुया वो तिरस्कार करता है। ऐसे लोगों से हमें सावधान होना चाहिए क्योंकि हम क्या हो जाते हैं, सामने से सब कुछ अच्छा देखकर हम बहकाव में आकर हालेलुया हम अपना क्या है अपना विश्वास भी ना बिठाता है। God is warning in this text. क्यों? आगे क्या लिखता है? अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं यद्यपि तुम सब बातों को पहले ही जानते हैं कि प्रभु ने मिस्र से हालेलुया एक कुल को बचाकर हालेलुया पश्चात उनको विश्वास के जरिए निकाला है। मालूम है इस्राएलों को हालेलुया ऐगुप्त देश में से हालेलुया उनको पूरे हालेलुया समुदाय को हालेलुया बचाकर निकाल कर लेके आया मूसा के द्वारा। मगर क्या हुआ रास्ते में हालेलुया मरुभूमि में हालेलुया हालेलुया कितनों को मार डाला, पूरा जनरेशन को ओल्ड जनरेशन को हालेलुया हालेलुया प्रभु परमेश्वर यहोवा ने मार डाला क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे हालेलुया परमेश्वर पर विश्वास नहीं। 40 ओ पूरा जनरेशन को खत्म करके हालेलुया नया जनरेशन को हालेलुया कनान देश में फिर हालेलुया क्यों बार बार हालेलुया कुड़कुड़ाना हालेलुया बड़बड़ाना कि परमेश्वर ने तूने हमें क्यों ले क्यों वहां से लेके आया, हमें अच्छा खाना मिलता था हमें अच्छा पीना मिलता था हमें अच्छा सहूलत देते तुम ये मरुभूमि में हम आग में जल रहे हैं ये सारी बातें बोलकर कुड़कुड़ा रहे थे ऑलवेज मरमरी ऑलवेज कंप्लेनिंग ओवर हालेलुया एंड दे हैड नो फेथ इन गॉड। कंप्लेनिंग कौन करता है मरमरी कौन करता है क्योंकि उसको परमेश्वर का जो हालेलुया रास्ता पर विश्वास नहीं परमेश्वर ने जो आगे रखा है उस पर विश्वास नहीं। We do not see the things over there with our own eyes, but we believe by faith. Walk by faith.
हम लोग वो है हालेलुया, परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया है, लेकिन हम आंखों देखी बातों पर नहीं मगर हम विश्वास से चल। मूसा ने विश्वास किया हालेलुया, हालेलुया, लाल समुद्र पार करने के बाद भी अगर मरुभूमि है मगर मरुभूमि के पार हालेलुया एक कानान देश प्रभु ने विजय रखा है। हालेलुया, आज इस समय में भी हालेलुया हमें थोड़ी तकलीफें होगी हालेलुया, मगर आगे चलकर हालेलुया मुझे मालूम है स्वर्ग पे हालेलुया एक रूम हालेलुया एक घर हालेलुया मेरे लिए परमेश्वर ने रखा। वहां कोई तकलीफें कोई आंसू कुछ भी नहीं होगा हालेलुया, क्योंकि सदैव परमेश्वर हालेलुया मेरे साथ। आज भी हालेलुया अगर आप विश्वास करते हालेलुया परमेश्वर की कृपा और दया हालेलुया हम सभी रीति से हालेलुया प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में खा ले। क्या विश्वास करते हो? छठा वचन से मैं पढ़ता, और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखकर अपने निज निवास को छोड़ दिया उसने उनको अनंत मंदिरों में जकड़कर उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में रखा। इवन स्वर्गदूत भी हालेलुया शैतान के बहकावे में आकर हालेलुया अपना स्थान को छोड़ दिया करके हालेलुया। सातवां वचन, जिस रीति से सोदोम अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान ही घोर अहिंसकता में लीन होकर पराये शरीर के पीछे लगे थे वे कभी ना बुझने वाली अग्नि के दंड में पढ़कर उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं। पहला उदाहरण दे रहा है, नहीं सेकंड उदाहरण, पहला उदाहरण इसराइल पर दे रहा है जो हालेलुया परमेश्वर ने उनको कितने चमत्कार करते हुए आइकुप देश में से लेके आया मगर हालेलुया मरुभूमि में उन्होंने विश्वास न करते हुए बुड़बुड़ाकर हालेलुया उनका जीवन खत्म। दूसरा क्या है? सोदोम और गोमोरा, कितने काल? अब्राहम का काल में लगभग हालेलुया 3,500 साल पहले और आज भी दुनिया में हो रहे हैं। कैसे? पुरुष और पुरुष के साथ, स्त्री और स्त्री के साथ, इतना ही नहीं हालेलुया पशु पक्षी के साथ हालेलुया, इतना सारा गंदगी हालेलुया हमें हालेलुया इस दुनिया में देखने को मिलता है। उस टाइम में भी अभी सब लोग कहते हैं कि ये सारा अभी हुआ, नहीं सोदोम और गमोरा के समय में भी हालेलुया परमेश्वर ने ये देखा हालेलुया, जो स्वर्ग दूत भेजा था उनके साथ भी हालेलुया उन लोग हालेलुया अच्छा दृष्टि नहीं रखा और क्या किया? सब कुछ खत्म, अहिंसकता हालेलुया। उसका एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं सोदोम व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय 22 से लेकर 29 कलम तक। The book of Deuteronomy, chapter 29, verses 22 to 29. Sodom और Gomorrah, हालेलुया, ये दूसरा उदाहरण हमें इस किताब में देखने को मिलता है। आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण, the book of Deuteronomy, chapter 29, verses, हालेलुया, 22 to 29. कोई भी अगर हिंदी में मिल गया तो आप पढ़ सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे वह उस देश की विपत्तियां और उस में यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोम से भर गई है और जहां तक जल गया है वह उनमें ना कुछ बोया जाता और ना कुछ जम सकता है और उस घास और ना घास उगेगी और वरन सदोम और अमोरा आदम से सदोमिया के समान जो गया है जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट से उलट दिया था और सब जातिये के लोग पूछेंगे यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप में भट
भटकने का क्या कारण है? Hmm. तब लोग यह उत्तर देंगे, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकलने के साथ बांधी थी उनको उन्होंने तोड़ा है। हाँ, उनको उन्होंने जोड़ा है। परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधी थी कि परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसकी आराधना करेंगे, पूर्वजों ने तोड़ा। और क्या किया उन्होंने? पराए देवताओं, और पराए देवताओं की उपासना की है जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। जो यहोवा ने नहीं दिया था वो पराए देवता को लेकर वो पूजा करते। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा और कि पुस्तक में लिखे हुए सब साप इस पर आ पड़े और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसे कि आज प्रकट है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध, हालेलुया, जलजलाहट, हालेलुया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की न मानी। आज भी सोदोम और गोमोरा ऐसा ही है। इट इज अ पिलर ऑफ सॉल्ट, जो सल्फर ऊपर से गिरा वो सल्फर आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां पर कुछ भी उग नहीं सकता। हालेलुया, द टेस्टिमनी इज देयर। आगे मैं पढ़ता हूं आठवां वचन से, कैसे लोग है करके, फिर भी ये स्वप्नदर्शी उसी प्रकार शरीर को अशुद्ध करते, प्रभुता को तुच्छ जानते और स्वर्गदूतों की निंदा करते हैं। इन इस लोगों का मतलब जो भक्तिहीन लोगों का क्या कैरेक्टर है करके, अभी वो स्वप्नदर्शी है करके, स्वप्न देखते हैं, अपना शरीर को अशुद्ध करते हैं, प्रभुता मतलब हालेलुया प्रभु के वचन को न मानने वाला, पवित्र आत्मा का अगुवाई को न मानने वाले ऐसे लोग हालेलुया किसकी निंदा करते हैं? स्वर्गदूतों को भी निंदा करते हैं। नाइन, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब मूसा के शव के विषय में शैतान से वाद विवाद किया तो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का दुस्साहस न किया, पर कहा प्रभु तुझे डांटे। दसवां वचन, पर ये लोग जिन बातों को नहीं समझते हैं उनकी निंदा करते हैं। देखो ये लोगों का खासियत क्या है, जो लोग भक्तिहीन उनका क्या है, जो बातें नहीं समझते हैं उनकी निंदा करते हैं, और अविवेक की पशुओं के भांति जिन बातों का स्वभाव भी नहीं जानते हैं उन्हीं के द्वारा नाश भी हो जाते हैं। नेपाली में क्या लिखा है? वर्स 10, तर आफूले नबुझेका कुराहरूको तिनीहरू ठट्टा गर्छन् र निर्बुद्धि पशुहरूले चाहिँ प्राकृतिक ज्ञानले जान्ने कुराहरूद्वारा नै यिनीहरूको विनाश हुन्छ। किसका विनाश होगा? उनीका विनाश होगा। पशु के समान निर्बुद्धि से वो लोग रिएक्ट करते हैं। और क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? मजाक करते हैं। मगर आखिर में क्या होगा उनका? विनाश। उनका अपने ही उस ज्ञान के द्वारा विनाश होगा। वैसे सारा कैरेक्टर वन, आप घर जाकर फिर से उस यहूदा के एक ही चैप्टर आप पढ़ेंगे तो सारा। ग्यारहवां में क्या लिखा है? उन्हें धिक्कार है क्योंकि उन्होंने कैन का अनुसरण। ये और एक एग्जांपल, पहला क्या था? इसराइली, सोदोम और गोमरा। तीसरा एग्जांपल क्या लिखा है भी? उन्हें धिक्कार है क्योंकि उन्होंने कैन का अनुसरण किया और मजदूरी के लिए बिना बिचारे बिलाम को भी हालेलुया भूल कर बैठे और कोरा के समान विद्रोह करके नाश ले। कितना एग्जांपल है यहाँ पर? किसका? कैन का, दूसरा बालाम का, तीसरा कोरा का। ओके, राइट डाउन द वर्सेस, यू कैन बाद में देख सकते। द वे ऑफ कैन, हालेलुया। उत्पत्ति का किताब उसका चौथा अध्याय उसका तीसरा से आठवां कलम आप लिख के रख सकते।
कैन का क्या था, कैन के बारे में कहां लिखा है, उत्पत्ति का किताब उसका चौथा अध्याय उसका तीसरा से आठवां कलम, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 3-8। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि के उदय में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में कोई एक पैरोठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल की हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कौन किसका भेंट ग्रहण हुआ? हाबिल। हाबिल का भेंट को हालेलुया परमेश्वर ने ग्रहण किया, मगर कैन का, दोनों ने भेंट ले किया, क्यों नहीं ग्रहण हुआ? कैन का भेंट को परमेश्वर ने क्यों नहीं ग्रहण किया? दोनों ने भेंट ले किया है, मगर मैं समझता हूं जो भेंट हालेलुया हाबिल ने लेके आया उसने पूरे मन के साथ हालेलुया परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया। मगर कैन के अंदर हालेलुया समर्पित किया मगर पूरे मन से नहीं, मगर एक लालसा थी हालेलुया, सेल्फिश एटीट्यूड, मैं दे रहा हूं तू भी मुझे कुछ देने दे। जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं हालेलुया, हमें लेने के लिए हमें परमेश्वर को दे, राइट? जब यहां पर हालेलुया परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर मुझे चाहिए ये चाहिए ये चाहिए नहीं, मैं अपने आप को हालेलुया मेरा सारा प्राण आत्मा और शरीर हालेलुया मैं संपूर्ण तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूं, ये सच्ची क्योंकि हालेलुया परमेश्वर आराधना के योग्य प्रभु परमेश्वर है। इवन लूसीफर को हालेलुया शैतान को भी नहीं छोड़ा हालेलुया। शैतान क्या चाहता है, क्योंकि वो जानता था हालेलुया सारा हालेलुया जो सृष्टि था हालेलुया जो परमेश्वर ने बनाया है हालेलुया परमेश्वर की महिमा करते थे दंडवत करते थे, वही वो चाहता था परमेश्वर की महिमा और किसी को नहीं अपने आप को भी नहीं, हालेलुया जो चाहिए परमेश्वर को आप इसलिए हम कभी कभी कहते हैं आराधना में दंडवत करें हालेलुया सब कुछ दे उस टाइम इधर उधर या पढ़ने की मैं अपने आप को परमेश्वर को सब दूसरा टाइम है जब आराधना का समय में आप और परमेश्वर हालेलुया ग्लोरी हाबिल ने सब कुछ हालेलुया समर्पित कर दिया और कैन का अंदर कुछ सेल्फिश एटीट्यूड थी दूसरा क्या था बालन बालन ने क्या किया था हाँ इलाम या बालन बोलते हैं इलाम बोलते हैं क्या किया था? दूसरा पत्रस पुराने नियम में भी है अगर दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 15 और 16 का सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 15 एंड 16 वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गया है। हाँ, कौन सा मार्ग सीधा मार्ग को छोड़कर वो भटक गया और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिया है और जिसे अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना और उसके अपराध के विषय में बुलाना दिया गया यह तक कि अबोल नदी के मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बलवापन से रोका। बिलाम हालेलुया परमेश्वर ने उसे कहा था कि राजा जो बालक था बिलाम था करके जो मोआब का राजा था उसने क्या बोला था मैं तुम्हें
बहुत सारी संपत्ति, धन संपत्ति और सब कुछ दे दूंगा, हालेलुया, तुम जाकर इतना ही करना कि इसराइलियों को तुम शाप देना, हालेलुया। पहले तुम इनकार किया, मगर दूसरे दिन वो उठकर, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा कि तू साथ में जा, मगर जो भी कुछ मैं बोलूंगा वही बोला है। मगर उसके मन में खोट था, उसने क्या लिखा है, सीधे मार्ग को छोड़कर वो भटक गया था। वैसे लुचपन या ग्रीडीनेस फॉर द सेक ऑफ मनी उकटवाने गया, परमेश्वर को भूल कर दूसरे मार्ग में चला गया। वैसे लोग भी हालेलुया हमारे बीच में पाएंगे। तीसरा पॉइंट था, कोरा के बारे में लिखा गया। कोरा ने क्या किया था, मूसा के सामने आरोन को हालेलुया, उसका लीडरशिप को हालेलुया विद्रोह किया, हालेलुया, तुम कौन होते हो जो हमें कनान देश में लेके जाओगे, तुम कौन हो जो परमेश्वर की आज्ञा, हालेलुया। मगर कौन चुना था, मूसा, परमेश्वर ने चुना। कौन चुना था, आरोन को। अगर हालेलुया वो सभा, हालेलुया, अगर लोग उसके सामने, मूसा के सामने कहते हैं, मूसा के विरुद्ध में, अल्टीमेटली किसके विरुद्ध में कहते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध। अगर हालेलुया वो लड़ाई करते तो किसके विरुद्ध में लड़ाई करते हैं, परमेश्वर के, क्योंकि चुनने वाला, हालेलुया, वो हालेलुया ग्रुप ने ही था, चुनने वाला प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए दाऊद भी कहता है कि तेरा चुना हुआ दास के बारे में मैं हाथ नहीं रखूंगा, क्योंकि सॉल भी, हालेलुया, चुना हुआ एनॉइंटेड, हालेलुया, पर्सन था, मगर बाद में भटक गया। मगर भटकने के बाद भी दाऊद ने उस पर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि था, ही वाज एनॉइंटेड। बी केयरफुल ओवर, हालेलुया, व्हेन यू स्पीक अगेंस्ट द सर्वेंट ऑफ गॉड, कि तुम उनके बारे में नहीं, सीधा, हालेलुया, परमेश्वर के, हालेलुया, विरुद्ध में आप कहते हैं। Let God judge what He has to judge His own servant of God. Hallelujah. परमेश्वर खुद न्याय करेगा, निर्णय लेगा अपने सेवकों को। हाँ, कोरा के बारे में नंबर्स यानी गिनती का किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 1-3 कलम हम पढ़ सकते हैं। गिनती का किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 1-3 कलम। The book of Numbers chapter 16 verses 1-3। कोरह जो लेवी का पोता कहलाता, कहरात का पोता और रियास का पुत्र था, वह इलियाब के पुत्र दातन और अबियाब और तेला के पुत्र ओना और तीनों रूबेनियों के मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, इनको संग लिए और वह मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनके उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। तुम क्यों ऊंचे स्थान पर बैठे हो, तुम कौन होते हो जो हमारा न्याय करने वाला। मगर वो स्थान दिया किसने है, परमेश्वर ने दिया हुआ। आगे चलकर देखेगा कि यहोवा मूसा फूट कर रो रहा है और दोनों के बीच में, हालेलुया, कौन चुना गया है करके, वो भी आप आगे घर पे जाके पढ़ सकते हैं। और बाद में आप देखेंगे, हालेलुया, उनका भी विनाश, हालेलुया, परमेश्वर ने। लुचपन, लोभ, हालेलुया, और ये क्यों, उनको पोजिशन चाहिए और किसी के अंडर में बने न रहने के लिए, हालेलुया। और ऐसे लोग, हालेलुया, बाद में हमें देखा जाएगा तो हालेलुया विनाश। आगे मैं पढ़ता हूँ, फिर से यहूदा की किताब में आए, उनके बारे में लिखा गया है,
आज्ञा है, 11 वचन उन्हें धिक्कार है क्योंकि उन्होंने खेत का अनुसरण किया और मजदूरी के लिए बिना विचारे बिलाम किसी भूल कर बैठे हैं और कोरा के समान विद्रोह करके नाश हो गए, हाले सभी लोग नाश हो गए। 12वां वचन ये मनुष्य, ये सब उनका फिर से कैरेक्टर के बारे में लिखा कैसे है, ये मनुष्य समुद्र तल की छिपी चट्टान है जो तुम्हारे प्रीति भोजों में तुम्हारे साथ निर्धड़क खाते पीते हैं, केवल अपना ही ध्यान रखते हैं, निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के फलहीन वृक्ष है जो दो बार सूख चुके और झड़ से उखड़ गए हैं, समुद्र की प्रचंड लहरें जो फेंक के समान अपनी लज्जा उछालते हैं, डावाडोल तारे के जिनके लिए थोर अंधकार सदा के लिए ठहरा गया है। सारा कैरेक्टर लिखा है, नेपाली में पढ़िए। हमारे सभी भोजों में उन लोग शामिल तो होंगे मगर उनका कैरेक्टर क्या है, आफ्नै मात्रा ख्याल राखी धन्दै नमानी बेसरी खान्छन् र पिउँछन्, तिनीहरू बतासले उडाइ लैजाने पानी बिनाको बादल सरछन्, हिउँदका फलहीन वृक्ष जस्ता जो दुई पल्ट मरिसकेका, दुई पल्ट मरिसकेका र झरै समेत उखलिएका हुन्छन्। जसका निम्ति पातालको अन्धकार अन्तको लागि राखिएको छ। हालेलुया, आगे भी पढ़ेंगे तो देखेंगे हानोक ने भी जो आदम में से सातवीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह नबुवत की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीन को उनके सब अभक्ति के काम जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। लिखा है भक्तिहीन बातें भी जो कि उसका भी लेखा चुका है, क्या लिखा है 16वां वचन, ये कुरकुराने वाले दोष ढूंढने वाले अपनी वासनाओं के अनुसार चलने वाले घमंड भरी बातें करने वाले और अपने लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करने वाले लोग हैं। नेपाली फतफताउनेहरू मतलब फतफताउने ज्यादा बोलने होता है, फतफताउनेहरू असन्तुष्टिहरू असन्तुष्टिहरू आफ्ना कुइच्छा अनुसार हिँड्नेहरू घमंडी कुरा बोल्नेहरू र लोभको निम्ति मानिसहरूको चाप्लुसी गर्नेहरू यिनै हुन्। क्लियर है, किसके बारे में लिखा है, भक्तिहीन लोग परमेश्वर की हालेलुया उल्लंघन करते हुए अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को उल्लंघन करते हुए अपना जीवन इसी तरह जो बाद में क्या होगा, अब भक्तिहीन क्या लिखा है, कुरकुराने वाले दोष ढूंढने वाले अपनी वासना के अनुसार चलने वाले वाले घमंड भरी बातें करने वाले और अपने लाभ लाभ के लिए लोगों को चापलूसी करने वाले ऐसे हालेलुया भक्तिहीन लोग हालेलुया हमारी सोसाइटी के अंदर है, तो हालेलुया हमें सावधान। क्या एग्जांपल दिया है इसराइलियों के बारे में, हालेलुया जो विश्वास हालेलुया से उनको लेके आया था मगर हालेलुया बीच में कुड़कुड़ाकर हालेलुया दूसरा हालेलुया क्या था, सोदोम और गमोरा उन्होंने पाप किया परमेश्वर की नैतिकता को भूलकर हालेलुया। तीसरा था हालेलुया कैन के द्वारा, कैन जो था हालेलुया उसने अपनी इच्छा के द्वारा हालेलुया परमेश्वर को लुभाने की कोशिश की हालेलुया। बालाम ने हालेलुया पैसे के खाते हाल, कोरा ने हालेलुया पोजीशन के खाते। ये सारा हमारे लिए एक एग्जांपल बाहर से नहीं दिया गया, बाइबल के अंदर से ही हालेलुया पुराने नियम में हमको हालेलुया दिखाया गया।
यहूदा ने क्या कहा था, मुझे उद्धार के बारे में लिखना था हालेलुया, मगर हालेलुया आपका विश्वास हालेलुया ठोकर न पा पाए, ऐसे भक्तिहीन लोगों में हालेलुया आप जागरूक हो ताकि आपका विश्वास गिरने न पाए। ओके, 17 वचन में हमें क्या करना चाहिए, पर हे प्रियो तुम उन बातों को अवश्य स्मरण रखो जिन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से ही कर चुके, पहले से कि तुमसे कहा करते हैं कि अंत के दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्तिपूर्ण बुरी अभिलाषाओं को चाल चलाए चलेंगे, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये सांसारिक एवं आत्मरहित है। देखिए क्या करते हैं, ये फूट डालते हैं, सांसारिक एवं आत्मा से नहीं आत्मा रहित, मतलब क्या लिखा है नेपाली में, क्या है आत्मा रहित में, आत्मा नहीं मतलब पवित्र आत्मा नहीं, सांसारिक रीति से चलने वाला हाल। पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में घटकर हालेलुया पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया का पात्र। जब तक प्रभु नहीं आता, परमेश्वर का आत्मा नहीं, हमें क्या करना है, हमें विश्वास में घटकर हालेलुया मतलब बांध कर हालेलुया पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए हालेलुया प्रभु परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखते अपना अनंत जीवन हालेलुया जो हालेलुया उत्सुकता के साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन की बात होना है, हमें ठोकर नहीं खाना है। Once again I recommend आप घर जाकर अगर 10 बार भी हो सके तो हालेलुया एक ही चैप्टर है आप पढ़ेंगे, आमीन। भक्तिहीन हालेलुया ऐसे ठोकर खाने वाले लोग हालेलुया जो हालेलुया फूंक डालने की कोशिश करता है हालेलुया वैसे नहीं हालेलुया हमें विश्वास में कुछ। अब ये क्यों, मैं ये वचन क्यों मुझे दिया गया, शायद एक दिन दोपहर में मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया और ये 3 बातें मुझे बताई। The spirit of anger, क्रोधित करने वाली आत्मा, दूसरी फूट करने वाली आत्मा, और तीसरा इंग्लिश में फॉल्स एक्यूसेशन करने वाली आत्मा, निंदा करने वाली आत्मा, ये 3 आत्मा के बारे में हालेलुया मुझे बताया गया। फिर मैं प्रार्थना करके ढूंढा, परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया। 3 आत्मा के बारे में हम अभी हम प्रार्थना करेंगे, क्या है, क्रोध करने वाली आत्मा, क्रोध करने से क्या होगा, आप अपने आप से बाहर होकर सब कुछ बोलते हैं वो आत्मा, दूसरा फूट करने वाली आत्मा को ये डिवाइड करने, तीसरी फॉल्स एक्यूसेशन यानी निंदा करने वाली आत्मा, हम हालेलुया प्रार्थना।